सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जो है बॉटम नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकते हैं या फिर लेफ्ट और राइट से इनेबल कर सकते हैं अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में, जो काफ़ी ही कूल लगता है और यहां पर काफ़ी ही ईजिली और स्मूथली ये वर्क करता है। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दैट्स, डाउनलोड करने के बाद जो है आपको कुछ परमिशंस देना होगा। तो उस परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहां पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से बेसिकली आप जो है यहाँ पर से बॉटम कर सकते हैं तो नीचे से स्वाइप अप करने पर आएगा, लेफ्ट कर सकते हैं तो लेफ्ट से आएगा, राइट करते हैं तो राइट से आएगा। मैं आपको बॉटम से भी दिखा देता हूँ। मैंने बॉटम पर क्लिक किया इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटम से जो है निकल गया, लेकिन बॉटम से आपको अगर करने पर जो है थोड़ा बहुत जो है इशू आएगा, क्योंकि सर्च बार मेरा ओपन हो जाता है। मैं इस समय Redmi Note 8 Pro यूज़ कर रहा हूँ, तो Redmi Note 8 Pro के अंदर काफ़ी ईजिली वर्क कर रहा है। आप ये किसी भी Xiaomi डिवाइस के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया था, तो मैंने यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड से कर दिया है, तो अब लेफ़्ट से जब भी करूँगा तो आएगा, या फिर राइट कर देता हूँ तो राइट से करूँगा तो आएगा। तो यहाँ से साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। कलर को आपको चेंज करना है तो यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर से पोजीशंस भी है, पोजीशंस में भी चेंज कर सकते हैं। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका बैकग्राउंड में। अब बेसिकली ये बैकग्राउंड वाला क्या फीचर्स है, तो बैकग्राउंड की अगर आप करते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है। और अगर मैं ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देता हूँ, और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से स्लाइड करता हूँ, तो देख सकते हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड जो वॉलपेपर था वो सेम मुझे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जो एप्लीकेशन रन हो रही है, जैसे यूट्यूब वगैरह है, प्ले स्टोर वगैरह है, वो भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसे जो है हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में जो है ब्लर कर देता हूँ, और ब्लर करने के बाद जब मैं यहाँ पर से स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि पीछे का जो है वो ब्लर आ रहा है और उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। अब फिर से मैं अगर इसे डिफ़ॉल्ट कर दूँगा बैकग्राउंड को, तो यहाँ से मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये यहाँ पर जो है, अब मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये जो पहले से डिफ़ॉल्ट वाला था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें सारे फंक्शंस काफ़ी ईजिली और काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं। देख सकते हैं आप, ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साउंड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी ही अमेजिंग फीचर्स है, और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी सारे फंक्शन हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन फंक्शन था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और कुछ ऐप परमिशन, 3-4 ऐप परमिशन मांगेगा, तो वो भी आप इसे दे दीजिएगा काफ़ी आसानी से। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।